अपने आप को बहुजनों का मसीहा कहलाने वाले चंद्रशेखर आजाद की खुली पोल। राजस्थान के जनपद झालावाड़ की इस महिला ने आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों की खोली पोल। इस महिला का नाम राधा भाई है और ये झालावाड़ से एक आजाद समाज पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष है। राधा भाई ने एक वीडियो वायरल करते हुए बताया है कि आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने मेरे साथ सामुदायिक बलात्कार किया है और मैंने भीम आर्मी से मदद मांगी लेकिन मदद के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। राधा भाई ने ये भी कहा है कि मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मेरा बार बार शारीरिक शोषण किया जा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अभी तक खामोश है। एक और चंद्रशेखर आजाद दावा ठोकते हैं कि जहां भी बहुजनों का उत्पीड़न होगा मुझे वहीं पर खड़े हुए देखा जाएगा, लेकिन अपनी पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष राधा भाई के सम्मान की लड़ाई में खामोश है चंद्रशेखर। राधा भाई ने नेशनल भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया से मदद मांगी है। देखें राधा भाई ने वायरल वीडियो में क्या बताया है। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं राधा बेरवा झालावाड़ जिला की रहने वाली हूँ। मैं 2 साल से महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। आजाद समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ और मैंने विशाल सिंधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रखा है और उसके लिए मैं भीम आर्मी से हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट मांग रही हूँ कि मेरी मदद करो, पुलिस मेरी मदद करो, मैं परेशान हूँ। और उसके बाद मुझे फरीद खान और राजकुमार, ये लोग अंशराज, ये पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हमें खुल के बताओ, हम तुम्हारे भाई है। और उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारे साथ किस किस आदमी ने क्या क्या किया है, मम्मी खुल के नहीं बताओगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जाके उन लोगों से मिल जाते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि पूरे संगठन के अंदर मुझे बोलते हैं कि ये चरित्रहीन औरत है, ये पूरे बदनाम हो रही है झालावाड़ जिला में। और बोलते हैं कि मेरे से बोलते हैं कि भीम आर्मी की मीटिंग के लिए भवानी मंडी चलो और वहाँ पे मेरे साथ बलात्कार करवा के फिर मुझे बोल, मेरी वीडियो भी बना रखा है इन लोगों ने और दो बार मेरा ऑपरेशन भी करवाया, मुझे जान से मारने की धमकी दे रखी है इन लोगों ने। और पुलिस मेरे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं गुजारिश करती हूँ कि लोकेश खटारिया में, जिसे मैं चाहती हूँ कि मुझे राजस्थान में आके जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए।